श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश। प्रतंगरा लक्ष्मी साधना, अघोर लक्ष्मी प्रतंगरा साधना या लक्ष्मी प्रतंगरा साधना, ये साधना इसलिए किया जाता है ताकि आपके लक्ष्मी का कोई क्षय नहीं कर सके। प्रतंगरा माँ भगवती का एक रूप है। शिव पार्वती एक दिन गुरु शिष्य के रूप में बैठे थे, तो शिव पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो उसमें ही पार्वती जी को महादेव ने बताया कि सबसे जो उग्र रूप है भगवती का वो धूमावती है, जो शिव का भक्षण करके फिर शिव को की उत्पत्ति करती है धूम के रूप में, और भगवती का जो सबसे विध्वंसक शक्ति है वो कृत्याएँ होती हैं, जो कृत्या होती है वो मृत्यु के समान होती है, जिस चीज़ को कृत्या छू दे वो समाप्त हो जाती है। तो ये ज्ञान जब महादेव भगवती को दे रहे थे तो भगवती ने महादेव से सवाल किया कि कृत्या से भी खतरनाक कोई शक्ति है क्या, धूमावती से भी कोई खतरनाक शक्ति है क्या? तो महादेव जी ने बोला कि हाँ है। और फिर महादेव जी ने भगवती से एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति करवाई जो कि भगवती का विरोधाभास शक्ति था, मतलब जैसे आप में हम में सब में विरोधाभास होता है, तो आप समझ लो कि मृत्यु से भी खतरनाक विरोध होता है किसी चीज़ का। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बार कहता हूँ कि द वॉयलेंस इन माइंड वो बहुत खतरनाक होता है, तो उसी को महादेव जी ने भगवती के अंदर से निकाला। जैसे ही वो विरोध शक्ति भगवती से बाहर निकली तो उस शक्ति ने ब्रह्मांड के समय चक्र को रोक दिया, तो फिर महादेव जी ने बोला कि नहीं ये गलत है, तुम इस शक्ति को अपने कंट्रोल में रखो वरना सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आगे कालांतर में और भी कई कथाएं हैं जहां पर ये शक्ति भगवती ने दिखाई, बहुत सारे युद्धों को रोकने के लिए ये शक्ति दिखाई। फिर भगवती के इस शक्ति के बारे में दो ऋषि प्रतंगिर और अंगिरस ने सुना, वो हिमालय गए, इस भगवती को आत्मसात किया, इनको जब वो आत्मसात कर रहे थे तो उनके अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर आके मैनिफेस्ट करने लगा, लेकिन उन्होंने उस पर कंट्रोल विजय प्राप्त किया और उसको साध लिया। तो भगवती प्रसन्न होकर के आई और बोला कि मेरे इस स्वरूप का जो कि इतना विध्वंसक है उसको आप लोगों ने कंट्रोल किया, तो अब आप लोगों के नाम से मैं जानी जाऊँगी। तो दो ऋषि थे प्रतंगिर और अंगिरस, तो दोनों का नाम मिला के हुआ प्रतंगा, ठीक है। तो प्रतंगा जो शक्ति है वो विरोध की शक्ति है, किसी चीज़ को रोक देना वो प्रतंगा शक्ति है। तो मैं जब आपको लक्ष्मी प्रतंगा साधना दे रहा हूँ तो इसका काम, इसका दो काम है, हर शक्ति का दो काम होता है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपने किसी पर प्रतंगा लक्ष्मी चला दिया तो उसका लक्ष्मी रुक जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये विश्वास होगा कि वो विद्या मैं आपको बताऊंगा नहीं। दूसरा, इसके श्रवण मात्र से, जैसे ऋषियों ने इसको श्रवण किया और आत्मसात किया तो वो शक्ति इनके साथ थी, तो जब प्रतंगा शक्ति आपके साथ रहेगी तो फिर कोई भी शक्ति आपके लक्ष्मी का क्षय नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लक्ष्मी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, आपके विरोधी आप पे काला जादू करते हैं, मूड चलवाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कीलन करवा देते हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप लोगों के लिए ये साधना बहुत उपयुक्त है। दूसरा, इसका जो चलाने का विद्या मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों के हाथ में अस्त्र आ जाता है तो वो चला तो देते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया जब आप नेगेटिव विद्या का उपयोग करते हो तो आप पे थ्री फोल्ड वो विद्या वापस अटैक करती है। तो हाँ, अगर आप पे ऑलरेडी ऐसा प्रतंगा का वार हो चुका है तो फिर उसका उपाय है, या कृत्या का अगर आप पे वार हो चुका है तो उसका उपाय है, तब फिर विपरीत प्रतंगा चला सकते हैं आप, क्रूर प्रतंगा चला सकते हैं, बहुत सारा विधान है प्रतंगा का। लेकिन इसमें एक विषय मैं बता दूंगा, ये एक ऐसी साधना है, जैसे आप लोग साधनाएं मांग लेते हो, कहीं से भी पढ़ के मांग लेते हो, ये सब साधनाएं एक तो गुरु के सानिध्य में करना, उसका कारण ये नहीं है कि इससे क्या घाटा होगा क्या लाभ होगा। सही बताऊँ तो प्रतंगा साधना का क्या घाटा है क्या लाभ है मैं भी आपको बहुत नहीं बता सकता, या कोई भी नहीं बता सकता। उसका कारण ये है कि इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है, और शायद ही कोई ऐसा गुरु परिवार है जो इसकी साधनाएँ करवाता है,
करवाता है लेकिन बहुत कम, उनके पास भी सीमित जानकारी है। इसीलिए इस साधना को जब आप करोगे तो ये मत सोचना कि इसका प्रयोग क्या करेंगे, आपको बस माता के रूप में भगवती के इस विरोध शक्ति को रख लेना है ताकि कोई भी अगर आपका हानि करना चाहे तो वो उसको रोक सके। अच्छा, अब मज़ेदार बात पे आते हैं कि ये अघोर विधि है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मंत्र जो है वो पूरा सात्विक होगा, मतलब संस्कृत मंत्र है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं ऐसे आज फॉर अ चेंज डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख दूंगा, ठीक है। तो इस साधना में आपको क्या करना है, आपको रोज़ ये साधना करना है, ठीक है, रोज इसकी पूजा करेंगे, ये 45 दिन में सिद्ध होगा, उसके बाद भी आपको करते रहना है इस साधना को, मतलब प्रतंगेरा लक्ष्मी की साधना का और पूजा जब भी आप करेंगे तो आपका आसन लाल होगा, माला स्फटिक का रहेगा, दिशा जो है वो पश्चिम रहेगा, दीपक शुद्ध गाय की घी और जो प्रसाद है, फल है, फूल है, लाल कनेर का फूल और ड्राई फ्रूट, ये सब चढ़ा दीजिएगा। पूजा शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले भगवती का विनियोग करते हैं। तो ओम अस्य श्री लक्ष्मी प्रतंगिरा महामंत्रस्य आनंद कर्दम चिकलिता अघोरी खप्पर चतु ऋषयः ब्रह्माणि जगत छंदः सर्वसंपत् प्रदायति श्री लक्ष्मी प्रतंगिरा देवता श्रीम बीजम श्रीम श्रह कीलकम सर्व सिद्ध्यार्थे जपे विनयोग, ठीक है, ऐसे विनयोग करेंगे। उसके बाद कर्णयास करेंगे, श्रीम अंगुष्टाभ्याम नमः, श्रीम तर्जनीभ्याम नमः, श्रम मध्याभ्याम नमः, श्राम अनामिकाभ्याम नमः, श्रम कनिष्ठकाभ्याम नमः, श्रम कर्तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद अग्नयास करेंगे, श्रीम हृदयाय नमः, श्रीम सिर से स्वाहा, श्रम शिखाय वसटः, श्राम कवचाय हुम, श्रम नेत्राय वसट, श्रम अस्त्राय फट। इतना करके उसके बाद अपना भूर्वस्वरोम बोलकर अपने सिर के चारों ओर से राइट टू लेफ्ट आप उंगली घुमा करके उसके बाद चुटकी बजा करके दिशा बंधन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे ध्यान, क्या आता है मूल मंत्र पे, मूल मंत्र का जाप आप 108 रोज करेंगे। ओम श्रीम श्रीम स्वरूपनी श्रम श्रह श्रम श्रीहि सिरसी, ओम श्रीम श्रीहि स्वरूपनी श्रम शह श्रौम श्रीम शरिणी श्रह श्रीम श्रह श्रौम श्रीम श्रीम लक्ष्मी श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम लक्ष्मी प्रतंगिरे रौम क्रौम श्रीम श्रीम हुम फट स्वाहा। आप में से जिन लोगों का व्यापार बंद हो चुका है, व्यापार रुका हुआ है, या ऐसा डर है कि काला जादू हो रहा है, वो सब ये साधनाएं करें। जिनको विपरीत प्रतंगिरा सीखना है या इस तरीके के साधनाओं में जिनका इंटरेस्ट है वो मेरे साथ जुड़े, साधना के अगले चरण में मैं उसको सिखाऊंगा। अभी तत्काल बेसिक कोर जिसको करना है, जो दिशा बंधन आसन बंधन और भैरव जो बेसिक साधना है वो नहीं जानते हैं, उनके लिए एक बेसिक पेड ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप का, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूत प्रेत पर इंटरेस्ट है तो मेरा बुक है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो खरीद सकते हैं मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए।